नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी स्टडी में। और आज बात करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और इस पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। तो जो बात करने वाले हैं वो है इन तीन चीज़ों पे: बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तीनों में क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। ये जो कोर वाला पार्ट है इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये है नेशनल पार्क और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि जैसे जैसे आप कोर में जाते रहेंगे तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्लाइड को देख के और इस डायग्राम को देख के, सॉरी, कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो स्ट्रिक्टनेस है वो ज़्यादा होती है, और देन फिर नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। देखते हैं स्लाइड को, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ग्रेजिंग होती है वो कैन बी अलाउ, यानी कि यहाँ पे आप चरवाए आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क में जो रूल है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं कम्पेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड नंबर है नो ह्यूमन सेटलमेंट बस सम एक्टिविटी अलाउ, यानी कि ह्यूमन का सेटलमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है। और यहाँ पे यानी कि जो ट्राइब्स होते हैं उनका कुछ एक तरह से उनको अलाउ किया जाता है, लेकिन लिमिटेड एरियाज़ में। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। और जैसा कि ये ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे ग्रेजिंग से, क्योंकि ह्यूमन ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहे हैं तो इंटरवेंशन वगैरह कर सकते हैं। ये है लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रही जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें राइट्स ओवर लैंड कैन बी अलाउ, तो यानी कि अगर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई ज़मीन है, आपकी कोई भी लैंड है, तो उस पर आपका हक है। यानी कि आप उसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते, डिपेंड करता आप पे। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है। तो अगर आपकी ज़मीन है यहाँ पे तो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, और उसके बदले आपको लैंड या फिर कहीं और लैंड दे देगी, या फिर पैसे दे देगी, जो भी डिपेंड करता है आप पे। और जो सेकंड नंबर है इसके बाद वाला वो है कैन बी अपग्रेड टू नेशनल पार्क, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेशनल पार्क में कन्वर्ट की जा सकती है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेशनल पार्क में कन्वर्ट की गई है, लेकिन जो नेशनल पार्क है वो सेंचुरी में डाउनग्रेड नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ये है पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इंटरवेंशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली फायरवुड वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं जो ट्राइब्स वगैरह जो यहाँ रहते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड जोन माना जाता है। ये है कैन बी क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी कि इसमें जो स्पीसीज रहती है वो सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज बोलना चाहेंगे, यानी कि एक ही स्पीसीज यहाँ पे अलाउ है, ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पे नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे इंटरवेंशन भी गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज रहती है, इस कारण से इसका जो प्रोटेक्शन डिग्री है वो ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है लेसर है और यहाँ पे हायर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन काफ़ी सिंपल था। तो इसके बाद में शायद आप भूल नहीं पाएंगे और आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।